हेलो स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लास वी हैड डन द टॉपिक्स हाउ टू चार्ज आर बॉडी। तो हमने कल की क्लास में देखा था कि कैसे हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। सो वी हैड डन द थ्री मेथड्स ऑफ चार्जेस ऑलरेडी। फर्स्ट वन इज़ फ्रिक्शन, सेकेंड वन इंडक्शन एंड थर्ड वन इज़ कंडक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। वट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रॉपर्टीज। सो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, फर्स्ट वन आप बहुत लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, दैट इज सेम और लाइक। सेम और लाइक चार्जेस कैन रिपेल ईच अदर। तो ठीक है, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। आपके पास दो चार्जेस हैं, ये भी प्लस का और सेकंड भी प्लस का। अगर आप इन दोनों को ऐसे पास में लाने की कोशिश करोगे, दे विल रिपेल, ऐसे एक दूसरे को पुश करेंगे, ठीक है। सो दे विल रिपेल ईच अदर। और सेकेंडली बात करेंगे ओपोजिट चार्जेस। ओपोजिट ठीक है, एक प्लस है और माइनस है। जैसे मैग्नेट के अंदर भी आप देखते हो ना, दो मैग्नेट्स आप एक इधर रखोगे किधर, दो मैग्नेट या तो ऐसे खींच लेती हैं या फिर ऐसे पुश कर देती है ना बैक साइड को। तो ऐसे ही चार्जेस में भी सेम नेचर है। अगर चार्जेस ओपोजिट नेचर के होंगे, एक प्लस का होगा और दूसरा माइनस का, सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो एक दूसरे को वो खींचने की कोशिश करेंगे। सो ओपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। नाउ थर्ड वन, वी कैन ऐड द चार्जेस अलजेब्रिकली। ओके, वी कैन ऐड द चार्जेस अलजेब्रिकली। चार्जेस को ऐड कर सकते हैं अलजेब्रिकली। मत इसका क्या फ़ायदा? अगर आपके पास एक बॉडी है, फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है। इसके अंदर देखिए 1, 2, 3, 4 प्लस के चार्जेस हैं, 1, 2, 3 माइनस के चार्जेस हैं। आई रिपीट, 4 प्लस के चार्जेस हैं, 3 माइनस के चार्जेस हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस बॉडी के ऊपर नेट चार्ज कितना है। व्हाट इज नेट चार्ज? नेट चार्ज तो इसको हम बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नेट चार्ज इज इक्वल टू, वी कैन राइट, लेट इट बी क्यू। नेट चार्ज हम क्यू कलेक्ट कर लेते हैं। तो कितने प्लस के चार्जेस हैं? 1, 2, 3, 4। तो 4 जो प्लस के उनको ऐड करेंगे हम, दैट इज क्यू 1 प्लस क्यू 2 प्लस क्यू 3 प्लस क्यू 4। ये प्लस वाले प्लस हो जाएंगे और जो माइनस वाले हैं ये माइनस हो जाएंगे, माइनस क्यू 5 माइनस क्यू 6 माइनस क्यू 7। सो माइनस वालों को माइनस कर देंगे, प्लस वालों को प्लस कर देंगे, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो क्यू 1 क्यू 2 क्यू 3 क्यू 6 क्यू 7 है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है। क्योंकि इसकी वैल्यू होगी तभी तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इसकी वैल्यू देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। तो फोर्थ पॉइंट जो है, चार इलेक्ट्रॉन हो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन, दोनों के ऊपर हम चार्ज की बात करेंगे। तो वो चार्ज कितना होगा? वी कैन से चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन का आप शॉर्टकट ऐसे यूज़ कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होगा, दैट इज़ -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो इतना जो है चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, ठीक है। सिमिलरली चार्ज ऑन प्रोटोन, प्रोटोन के ऊपर कितना चार्ज रहेगा? प्रोटोन जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके ऊपर कितना चार्ज रहेगा? दैट इज सेम मैग्नीट्यूड, सेम ही रहेगा, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। कूलम जो है आपका साइंटिस्ट के नाम से इसकी ऐसा यूनिट है। चार्ज का जो पैमाना है उसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं? वी कैन कैलकुलेट द चार्ज इन कूलम। ओके, सो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दिस वन और कूलम दिस वन। अब देखिए दोनों सेम है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा वी गेट द रिजल्टेंट जीरो, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। इन दोनों को ऐड करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह इस जो ये जो हम ऊपर वाला पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, वी कैन ऐड द चार्जेस अलजेब्रिकली। इसके अंदर देखिए ये जो सारे प्लस प्लस वाले सेम है, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 × q। ओके, और ये जो माइनस वाले हैं ये भी सेम है, विच इज़ इक्वल टू -3 × q। सो 4 q − 3 q वी गेट अ 1 q। सो ये आएगा इस बॉडी के ऊपर नेट चार्ज। तो नेट चार्ज अब इस बॉडी के ऊपर कितना आ गया? दैट इज़ अ 1 q, ठीक है। तो ये है हमारा कि हाउ कैन वी ऐड द चार्जेस, ठीक है। वी कैन ऐड द चार्जेस सिंपली अलजेब्रिकली फॉर्म के अंदर। और ये होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन। एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन न्यूट्रॉन? वैसे न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूँ, न्यूट्रॉन ये भी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं पार्टिकल। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा। न्यूट्रॉन है न्यूट्रल, क्या रहेंगे? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब नो चार्ज, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा न्यूट्रॉन के ऊपर, ठीक है। ओके, अब थोड़ी सी मास की बात भी कर लेते हैं। इनका मास क्या रहेगा? अगर मैं बात करूँ इन दोनों की, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इन दोनों का जो मास रहेगा, दैट इज़ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनका जो मास होता है दैट इज़
1.67 × 10^-27 kg, इतना मास रहेगा आपका न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का, इन दोनों का आप नोट कर सकते हैं। एंड व्हाट इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास आपको मिलेगा दैट इज़ 9.1 × 10^-31 kg, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन का मास रहेगा 9.1 × 10^-31 kg। तो अगर हम देखें कौन लाइट है और कौन हैवियर है, तो कल भी मैंने आपको बताया था जो इलेक्ट्रॉन है इट इज़ वेरी लाइट, इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है। कितना हल्का होता है आप कल भी बताया था मैंने आपको, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन इज़ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे आप नोट कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन इज़ 1837 टाइम्स लाइटर देन प्रोटॉन। तो प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन इतना हल्का होता है, ठीक है। तो हमेशा जो चलना पड़ता है किसको चलना पड़ता है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन। सो ये हो गया नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो है हमारा लिखेंगे दैट इज़ चार्जेस आर क्वांटाइज्ड इन नेचर। सेवन्थ वन इज चार्जेस आर क्वांटाइज्ड इन नेचर। नेचर के अंदर अगर आपको चार्जेस को देखना होगा वो कैसे मिलेंगे, दैट इज़ ए क्वांटाइज्ड, ठीक है। अब क्वांटाइज को समझने के लिए देखिए क्वांटाइज को हम कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी। हाँ जी, सो चार्जेस आर क्वांटाइज इन नेचर। तो इसको देखिए, व्हाट आर इज क्वांटाइजेशन, वी कैन राइट क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ठीक है। प्लस का मतलब है किसी बॉडी के ऊपर या तो प्लस का चार्ज मिलेगा या आपको माइनस का चार्ज मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर एन क्या होता है, एन इज इंटीजर, ठीक है। इंटीजर मीन वी कैन काउंट द नंबर ऑफ चार्जेस, एन इज इंटीजर। एंड व्हाट इज ई, इज चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा, वी कैन काउंट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। इसको भी एग्जांपल लेके समझते हैं। ये देखिए मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी के अंदर मान लीजिए फोर चार्जेस है, 1, 2, 3 एंड 4, फोर चार्जेस हैं। तो व्हाट इज़ द नेट चार्ज ऑन दिस बॉडी, नेट चार्ज, तो वी कैन राइट क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस। तो यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का चार्ज है तो हमें माइनस डालने की जरूरत नहीं है, वी कैन राइट ओनली प्लस। देन एन, एन इज नंबर ऑफ चार्जेस, हाउ मेनी चार्जेस आर देयर, द आंसर इज फोर। यहाँ पर कितने चार्जेस है, 1, 2, 3, 4, तो फोर चार्जेस हैं। एंड व्हाट इज ई, ई इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, 1.6 × 10^-19, ठीक है, कूलम। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इट इज इक्वल टू 6.4 × 10^-19 कूलम। तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, ठीक है। तो ये हो गया क्वांटाइजेशन, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड इन नेचर। ओके, इसको थोड़ा और डिस्कस करते हैं। मान लीजिए अगर आपके क्वेश्चन आ गया, ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास ये बॉडी है, आपने इसको चार्ज करना है अप टू 3 कूलम। कितना चार्ज करना है आपने, 3 कूलम, ठीक है। कूलम क्या है, चार्ज की SI यूनिट, पहले ही बताया मैंने आपको यहाँ पर, ठीक है। कूलम चार्ज की SI यूनिट है। अगर आपने इस बॉडी को 3 कूलम चार्ज करना है तो क्या ये पॉसिबल है, तो इसको हम देखते हैं। ओके, चार्ज के लिए आपको क्या करना होगा, इसको चार्ज प्रोवाइड करना होगा। अगर आप इस बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं तो आप चार्ज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दुनिया का सबसे छोटा चार्ज क्या है, ठीक है। तो सबसे छोटे चार्ज की अगर बात करूँ, चार्ज जो है फंडामेंटल पार्टिकल है, ठीक है। चार्ज इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल, बहुत छोटा है, बहुत छोटा चार्ज होता है, फंडामेंटल पार्टिकल होता है, ठीक है। और इसको ना तो आप तोड़ सकते हो, ना ही आप इसको ख़त्म कर सकते हो। तो सबसे जो छोटे चार्ज की वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू, हमने अभी डिस्कस किया, 1.6 × 10^-19। इससे छोटा चार्ज आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, ये सबसे छोटा चार्ज है। अब इसको मैं 3 कूलम चार्ज करना चाहता हूँ तो वी कैन प्रोवाइड अ चार्ज। तो मैंने फर्स्ट चार्ज दिया, इसकी वैल्यू होगी 1.6 × 10^-19 कूलम, ठीक है। फिर से मैंने एक और चार्ज दिया, अब कितना हो गया, 1 + 1 = 2 हो गया, तो 1.6 × 10^-19 कूलम। और चार्ज करना चाहता हूँ, एक और चार्ज प्रोवाइड कीजिए, तो 1.6 × 10^-19 कूलम। तो देखिए अब कितना आ गया, 1.6 1.6 1.6, इट इज़ 4.8 × 10^-19। अगर आप सिर्फ दो चार्जेस देते यहाँ पे इस बॉडी को, अगर आप सिर्फ दो चार्जेस देते तो कितना होता है, इट इज़ 3.2
3.2 इंटू 10^-19 कूलम। तो मतलब मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या कि आप किसी भी बॉडी को अकॉर्डिंग टू अवर सेल हम जो चार्ज प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। इसको अगर हम बोले कि हम इसको एग्जैक्ट 3 कूलम चार्ज कर दें तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा दैट इज़ क्वांटाइज। क्वांटाइज का मतलब है दैट शुड बी इक्वल टू इंटेग्रल मल्टीपल, एन इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है उसको इंटीजर से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उस फॉर्मेट के अंदर ही हमें टोटल चार्ज मिलेगा। सो इट इज़ अ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो हाउ चार्जेस आर क्वांटाइज्ड इन नेचर। ओके, सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व्ड इन नेचर। कंजर्व्ड का मतलब होता है कि ये आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये चेंज नहीं हो सकते, ठीक है। एग्जाम्पल लेके बताते हैं, चार्जेस आर कंजर्व्ड इन नेचर, इट मीन वी कांट क्रिएट और डिस्ट्रॉय द चार्जेस। ना तो हम चार्जेस को खुद क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम खुद उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। सो वी कैनॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय द चार्ज, बट वी कैन ट्रांसफर इट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। एक बॉडी से हम दूसरी बॉडी के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने कल किया था, हम पेन को जब कपड़े से रब करते हैं तो पेन जो हमारा कल चार्ज हो गया था, है ना, तो जो चार्ज हुआ वो कैसे हुआ, हमने जो चार्जेस को ट्रांसफ़र कर दिया, कुछ चार्जेस जो है पेन से इस कपड़े के अंदर चले गए और कुछ कपड़े से पेन के अंदर चले गए। सो वी कैन ट्रांसफ़र द चार्जेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। मतलब चार्जेस जो है ना हमारे यूनिवर्स के अंदर एवरीवेयर प्रेजेंट है, हर जगह चार्जेस प्रेजेंट है, तो हमें सिर्फ उनको किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए सिर्फ उनको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये जो बात कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट है, दैट इज़ ओनली फॉर अ आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड आप बोल सकते हो कि सिंगल चार्ज विच इज़ अ फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेज। आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसपे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है नहीं लगती, ठीक है, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। सिंगल चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं, दैट इज फॉर अ सिंगल। ओके, अब इसको थोड़ा और करते आगे, बट इन अ पेयर, अगर पेयर की बात करें, ठीक है, इन अ पेयर वी कैन क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय द चार्जेस। वी कैन क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय द चार्जेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप वहाँ पटाखे वगैरह चलाते हो, ये पटाखे वगैरह आपने देखे होंगे, ये जो पटाखे वगैरह चलाते हैं इससे साउंड प्रोड्यूस होता है, ये इस तरह का साउंड कब प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ बाई डिस्ट्रॉइंग द चार्जेस। जब हम चार्जेस को डिस्ट्रॉय करते हैं ना, तो इतना सारा वहाँ पे जो धुआं वगैरह निकलता है, दैट इज़ आफ्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ चार्जेस। तो हम पेयर के अंदर हम चार्जेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखिए इसके लिए हमारे पास एक प्रोसेस है, दैट इज़ एनिहिलेशन प्रोसेस। एनिहिलेशन के अंदर क्या होता है, आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। जैसे ही आप इन दोनों को कंबाइन करोगे, देखो नेगेटिव और पॉजिटिव, एक प्लस और माइनस अगर आपस में टकराएंगे तो स्पार्क होगा, रेडिएशंस प्रोड्यूस होंगी, तो ये स्पार्क होकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। वी कैन से इट गामा प्लस गामा। गामा क्या होता है, एक रेडिएशन एनर्जी होती है, ठीक है, लाइट की फॉर्म में एनर्जी होती है। सो दो चार्जेस आपस में मिलेंगे, अगर ये जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद आपको रेडिएशन प्रोवाइड करेंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं दैट इज़ एनिहिलेशन। अब क्या चार्जेस को हम क्रिएट भी कर सकते हैं, ये तो डिस्ट्रॉय की बात होगी ना, है ना, दोनों चार्जेस को मिला के हमें डिस्ट्रॉय कर दिया, क्या हम क्रिएट भी कर सकते हैं, तो आंसर है येस वी कैन। हाउ, ओके, हमारे पास एक आइंस्टाइन का फॉर्मूला था, ई इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन आवर एनर्जी इज मास एंड मास इज एनर्जी, ठीक है। चलो इसको आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक मेटल की प्लेट है, ठीक है, मान लीजिए इसका जो मास है दैट इज़ अ 2 ग्राम, इसका 2 ग्राम मास है, और यहाँ से सन से लगातार जो सनलाइट है इसके ऊपर आ रही है, लगातार सनलाइट इसके ऊपर पड़ रही है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के अंदर इस जो मेटल प्लेट का जो मास था इट इज़ अ 2 ग्राम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपने देखा, तकरीबन 3-4 दिन के बाद देखा, सन की लाइट पड़ते गए, डस्ट पार्टिकल पड़ते गए, इसका जो लाइट है, लाइट पड़ने के बाद इसका जो मास हो गया, लेट इट बी अ 2.2 ग्राम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। देखिए 2 से 2.2 ग्राम सिर्फ लाइट की वजह से बढ़ गया, ठीक है, 2 ग्राम पहले था, अब 2.2 ग्राम हो गया। अब ये क्या हो रहा है, देखो लाइट क्या है, लाइट इज़ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी किस चीज़ में कन्वर्ट होगी, तो आंसर है मास के अंदर कन्वर्ट होगी। मतलब इसके अंदर जो है एडिशनल मास आ चुका है। अब अगर ये मास आया है तो मास कहाँ से आया, तो आंसर है ये जो मास आया है इसमें चार्ज कैरियर्स ऐड हो चुके हैं। क्या ऐड हो चुके हैं, चार्ज कैरियर्स। चलिए इसके एग्जांपल लेके बात करते हैं। हमारे पास मान लीजिए प्लेटिनम की कोई ये मेटल प्लेट है, ठीक है, इसके ऊपर
आपने क्या डाली, एनर्जी डाली, दैट इज़ लाइट। आपने क्या स्ट्राइक कराई, लाइट। लाइट स्ट्राइक करवाने से ठीक है इसका जो है मास इंक्रीज हो गया। अब मास कैसे इंक्रीज होगा, क्योंकि मास किससे इंक्रीज होता है, चार्ज कैरियर से, चाहे वो प्लस का हो तो माइनस का हो। तो इसी तरह इसके अंदर मास के लिए प्लस और माइनस दोनों पेयर में क्रिएट होंगे, प्लस और माइनस ठीक है। पेयर में ही क्यों क्रिएट होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आपने इस पर लाइट नहीं डाली थी तब भी ये न्यूट्रल था, जब आपने इस पर लाइट डाली, लाइट डालने के बाद इसका मास इंक्रीज हो गया तब भी ये न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल कब होगा, न्यूट्रल तब होगा जब प्लस और माइनस दोनों इक्वल अमाउंट के अंदर इसके अंदर क्रिएट होंगे। सो दिस इज द लास्ट पॉइंट, वी कैन क्रिएट आर चार्जेस। कैसे क्रिएट किए, बाय अ पेयर प्रोडक्शन। सो इट इज़ ऑल अबाउट द चार्जेस।